दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं बरेली के MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय कैंपस में और क्रीड़ा विभाग में, खेल विभाग यहां पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। उस आयोजन के दौरान क्या जानकारी दे रहे हैं यहां के शिक्षक, क्रीड़ा से जुड़े प्रोफेसर्स, वो जानकारी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएँ होंगी, कितने महाविद्यालयों से छात्र खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जुड़िए हमारी इस खास खबर से। देखिए गंभीर न्यूज। क्या नाम, शुभ नाम है मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या आयोजन करने जा रहे हैं? मैं आलोक श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल का। इस बार हमारे पास जो ये प्रतियोगिता होने जा रही है वो 46वीं अंतर महाविद्यालयी एथलेटिक्स महिला और पुरुष प्रतियोगिता है। ये पहली बार विश्वविद्यालय में बने सिंथेटिक ट्रैक पर हो रही है, क्योंकि अब सारी एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होती हैं वो सिंथेटिक ट्रैक पर ही होती हैं, तो उसकी सुविधा विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराई है हम खिलाड़ियों को। और ये 3 दिन चलेगी, कल 10 बजे इसका उद्घाटन माननीय श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, जो हमारे राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उनके द्वारा होगा और कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति जी करेंगे। कल इवेंट्स भी हैं, 800 मीटर, 5000 मीटर और 100 मीटर की हीट्स, और परसों सुबह 5:30 बजे से ही प्रतियोगिता 10000 मीटर से शुरू होंगी और शाम तक चलेंगी, और उसके बाद तीसरे दिन अपराह्न 3 बजे इसका समापन होगा। ठीक, संबद्ध महाविद्यालय बरेली में ऐतिहासिक बरेली कॉलेज बरेली के अंदर खेल डिपार्टमेंट लगभग बंद सा हो गया, मृत प्राय हो गया है। क्या कुछ विश्वविद्यालय स्तर से ऐसे डायरेक्शन जारी हो रहे हैं कि संबद्ध महाविद्यालयों क्रीड़ा प्रतियोगिताएं धार दें? देखिए, कोविड की वजह से भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि 2 साल लगभग खेल बंद रहे, लेकिन इस बार बरेली कॉलेज ने फिलहाल जो प्रदर्शन किया है वो अच्छा रहा है, अच्छे उनकी टीमें आ रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी महाविद्यालय, जो बड़े महाविद्यालय, क्योंकि हमारे पास 2 बड़े महाविद्यालय हिंदू कॉलेज और बरेली कॉलेज है जहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि उनके प्राचार्य और वहाँ का मैनेजमेंट इस पर ध्यान देगा कि वो सारी सुविधाएं बच्चों को मिलती रहें, जिससे कि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होता रहे। अभी तक जो हमारे पास एंट्रीज है उसमें 54 पुरुष महाविद्यालयों की और 42 महिला महाविद्यालयों की एंट्री आ चुकी है, यानी लगभग 600 से 700 अभी तक एंट्री हो चुकी हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि 100 से अधिक महाविद्यालय इसमें कुल मिला के भाग लेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस आप लोगों का यह है कि ये प्रतियोगिता के लिए बच्चों को, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार हो रही है, तो आप सबका सहयोग हमें रिक्वायर्ड है, जिससे कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन बना रहे और वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाए। AK सिंह साहब, कैंपस में भीड़ भाड़ रहेगी, अनुशासन के हिसाब से क्या कुछ अनुशासन व्यवस्था की गई है? हमारे प्रॉक्टोरियल बोर्ड का जो है, हमारे चीफ प्रॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ठीक जी, हाँ, और बच्चों को देखने के लिए हर जगह जगह से उनकी सुविधा के लिए तमाम हमारे वो लगे रहेंगे, सब वो हमारे जो गार्ड्स हैं वो उनको डायरेक्शन देते रहेंगे, बताते रहें किसको कहाँ जाना है, किसको क्या चाहिए, किसकी सारी सुविधाएँ हैं, और बच्चों के साथ वो सुशासन की पूरी व्यवस्था रहेगी, उनके अनुशासन की देख रेख।